हेलो गाइस, मैं हूं गौतम और आज की वीडियो में बात करेंगे आपकी क्लास एट्थ के ऊपर। यार हरियाणा बोर्ड क्लास एट्थ में यहां पर अब की बार आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई के भी एट्थ के स्टूडेंट हैं उनका भी जो एग्ज़ाम है वो हरियाणा बोर्ड ही लेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको न्यूज़ दिखा दूंगा, खुद एचबीएससी के चेयरमैन ने कही है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बात करते हैं कि यहां पर आपका जो एट्थ क्लास का पेपर होगा उसका क्या तो सिलेबस रहेगा, कैसा पेपर आएगा, कितने नंबर का आएगा, कैसे क्या रहेगा, सब कुछ। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहां पर आप न्यूज़ देख सकते हो, ये आज की ही लेटेस्ट खबर है। आठवीं की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों का डिज़ाइन तैयार, 80 अंकों की लिखित परीक्षा में 50% बहुविकल्पी, 50% विवरणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अब की बार हरियाणा बोर्ड क्लास एट्थ का एग्ज़ाम लेगा, उसका यहाँ पर जो सिलेबस है वो उसने बता दिया है। साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर उसने कहा है कि यहाँ पर आपका 80 नंबर का पेपर होगा, जिसमें जो 50% पेपर है वो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि MCQ। वहीं जो दूसरा पेपर होगा, ठीक है, वो आपका 50% है जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको आंसर लिखना पड़ता है लंबा लंबा, 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन, 100 लाइन, उनका होगा। यानी कि ओवरऑल आपके 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। चलिए पूरी अपडेट को देखते हैं, पूरी न्यूज़ देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, एट्थ एग्ज़ाम 2022 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा शैक्षणिक स्तर 2021-22, यानी कि जो सेशन है इसकी बात हो रही है 21-22, यानी कि जो अब एट्थ क्लास में पढ़ रहे हैं उनकी आठवीं की बोर्ड परीक्षा लेने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस क्रम में आज बोर्ड की यहां पर जो कार्यालय है उसके अंदर पाठ्यक्रम व प्रश्न पत्रों के डिज़ाइन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था, यानी कि एक मीटिंग हुई है कल, ठीक है। उसमें यहाँ पर आपका जो पेपर पैटर्न है, साथ ही साथ जो सिलेबस वगैरह है, उसके ऊपर चर्चा की गई थी। तो क्या कहा उस मीटिंग के बाद, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो सिलेबस के ऊपर क्या कहा है। बोर्ड उपाध्यक्ष श्री VP यादव ने बताया कि आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए SCERT व NCERT, ये क्या है, ये आपकी जो बुक्स बनाती हैं वो हैं, ठीक है, द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम में से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। यानी कि गाइज, ये एक बड़ी खुशखबरी है सभी बच्चों के लिए कि अब उनको 30% सिलेबस नहीं पढ़ना, ओनली एंड ओनली 70%, यानी कि 70% सिलेबस पढ़ना है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है कि आपका जो 100% सिलेबस था उसमें से 30% डिलीट कर दिया, हटा दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं बच्चों को समझाता हूँ, जैसे कि आपके 10 चैप्टर थे तो उसमें से 1-2 चैप्टर डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पर देखो, एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में SCERT व NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो SCERT और NCERT की बुक से ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको NCERT है वो अच्छे से पढ़नी है क्लास एट्थ की, ठीक है। आगे देखिए, भाषाई विषयों में केवल भाषाई ज्ञान, जिसमें पढ़ना लिखना व्याकरण यानी कि ग्रामर वगैरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो, उन्होंने बताया कि 80 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 50% बहुविकल्पीय प्रश्न और 50% विवरणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको अच्छे से समझ लो कि कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन आपका आएगा। तो देखिए गाइज, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो रहेगा 50-50। अब ये 50-50 बिस्कुट नहीं है, सुनिए इसको क्या है। जो यहाँ पर आपके पेपर होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। 80 नंबर का पेपर होगा लेकिन 2 आएंगे पेपर, ठीक है। एक पेपर होगा वो यहाँ पर आपके छोटे क्वेश्चंस का आएगा, जिसमें आपके MCQ होंगे, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। और जो दूसरा पेपर आपको मिलेगा करने के लिए, उसमें आपके बड़े प्रश्न आएंगे, ठीक है। जैसे कि अब तक क्या होता था, एक ही पेपर आता था, उसमें ऊपर 10-12 छोटे क्वेश्चन आते थे और नीचे लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 2 पेपर बना दिए गए हैं, ठीक है। पेपर तो वो एक ही रहेगा लेकिन उसके 2 पार्ट बना दिए गए हैं, ठीक है। तो अब की बार ऐसा आपका पेपर पैटर्न आने वाला है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया है कि आपको सिर्फ 70% सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, और पेपर पैटर्न 50-50 रहेगा, ठीक है। एक छोटे क्वेश्चंस का पेपर आएगा, एक बड़े क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं कि पेपर पैटर्न और सिलेबस कब तक आएगा। तो देखो, उसके बारे में यहाँ पर देखिए, ऑफिशियल नोटिस जब भी आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, और मे बी
8-10 दिन के अंदर अंदर आपका जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है वो वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। यानी कि यार अगर आप 8th क्लास में हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, आपको सारी की सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। अगर आप पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।